मैं तो आईएमएफ के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था कि अब भाई अब आइंदा है। और उन्होंने खुद कहा था कि अब पाकिस्तान को आईएमएफ की जरूरत महसूस नहीं होगी, वो खुद कह रहे थे और दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान भी आईएमएफ से आजाद हो गया है, उनकी गुलामी से आजाद हो गया। लेकिन फिर आईएमएफ को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूं, ये नहीं है शहबाज शरीफ, नहीं है वही है जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं, वो हैं जो दोबारा आईएमएफ को लेके आए। अगर मैं 104 रुपए पे डॉलर छोड़कर गया था और 4 साल 104 पे रहा, तो आपको इत्मीनान रखना चाहिए कि अगर मुझे मजीद पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिलता तो डॉलर 104 पर ही रहता, ये सब्जियां भी महंगी ना होती, ये बिजली का रेट कभी महंगा ना होता। और हम तो अल्लाह के फजलो करम से वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर से लोड शेडिंग का खात्मा किया। 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी इस मुल्क में, आप बताएं आप गवाह हैं, होती थी या नहीं होती थी? किसने खत्म की लोड शेडिंग? किसने वो तमाम बिजली के कारखानों को चलाया, दोबारा नए बिजली के कारखाने लगाए? और मैं जब 2013 में वज़ीर-ए-आज़म बना था तो मैंने कहा था, बनने के बाद नहीं, बनने से पहले 2013 में, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हम लोड शेडिंग का मसला अपने इस दौरे हुकूमत में ख़त्म करेंगे, यानी 5 सालों में ख़त्म करेंगे। लेकिन हमने 5 सालों से बहुत पहले ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमें दर्द था। मेरे साथ शहबाज शरीफ भी भागता था, वज़ीरे आला पंजाब था, मैं भागता था, दिन रात भागते थे। और वो रिकॉर्ड पीरियड में, एक रिकॉर्ड अरसे में हमने वो बिजली के कारखाने मुकम्मल किए। और उस पे मैं मशकूर हूँ अपने दोस्त मुल्क चीन का, जिनके तआवुन से सीपैक के तहत हमने वो कारखाने लगाए और बिजली के बहरान पे 3 सालों में काबू पा लिया। आप जानते हैं, आप गवाह हैं। और बिजली का रेट भी महंगा नहीं होने दिया। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जिनको आज 18-18 हज़ार रुपये का बिल आता है, उस जमाने में 2017 में 1600 रुपए का बिल आता था, और आज 18 हज़ार का। जरा अंदाजा करेंगे, गरीब कहां से देगा इतने पैसे, कहां से देगा? कहां वो बाल बच्चों का पेट पालेगा, या वो इतने अपना बिलों में अपनी सारी तनख्वाह को उजाड़ देगा?